बड़ी खबर बगहा से आ रही है। आपको बता दें कि बगहा के गंडक नदी में डूबकर दो बच्चे डूब चुके हैं। आपको बता दें कि कुल चार बच्चे डूबे थे, जिनमें से दो को बाहर निकाला गया है, दो की तलाश जो है अब भी जारी है। आपको बता दें कि दो बच्चे लापता हो चुके हैं। चारों बच्चे नदी में नहाने गए थे, जिसमें से चारों के चारों डूब गए, लेकिन दो को बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला गया। दो बच्चे अभी भी नदी में ही हैं, उनकी तलाश जो है वो लगातार जारी है। बाकी दोनों बच्चे जिन्हें निकाला गया है, उन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। तो उन्हें घायल स्थिति में अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उनका इलाज जारी है। लापता बच्चे जो है उनकी भी तलाश अभी जारी है। तो बगहा के गंडक नदी में ये दोनों बच्चे डूबे हैं, कुल चार बच्चे नदी में नहाने गए थे। आपको बता दें कि दो बच्चों को निकाला जा चुका है, घायल अवस्था में दोनों बच्चों को इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती किया गया है। वहीं अन्य दो बच्चों की तलाश अब भी जारी है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक जुड़ चुके हैं। दीपक, चार बच्चे नदी में नहाने गए थे, चारों के चारों डूब गए, लेकिन दो को निकाल लिया गया है और अभी भी दो की तलाश जारी है। जी हाँ कृति, मैं बता दूं कि बगहा के इलाके में गंडक नदी है, जहाँ चार बच्चे एक साथ नहाने आते हैं और दो बच्चे डूबते हैं, फिर दो बच्चे वहाँ उनको बचाने के लिए जाते हैं, वो भी डूबने लगते हैं। तो हल्ला के सुन के ग्रामीणों ने दो बच्चे को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया है, लेकिन दो बच्चे अभी भी गंडक नदी में लापता हैं। क्या उम्र होगी इन बच्चों की दीपक? जी हाँ सर, तब 18 और 20 के लगभग चारों बच्चे हैं। जो अन्य दो बच्चे जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है, उनकी स्थिति अभी कैसी है? जी हाँ कृति, मैं बता दूं कि जो बच्चे हॉस्पिटल में भर्ती हैं, डॉक्टर से मेरी बात हुई है, दोनों सुरक्षित हैं। चले दीपक, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि गंडक नदी में दो बच्चे डूब गए थे, जिन्हें बचाने अन्य दो बच्चे गए, वो भी नदी में डूब गए, लेकिन दो को बाहर निकाल लिया गया है, जिनकी स्थिति अभी नाजुक है। वहीं दो बच्चों की तलाश अब भी जारी है।